हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डोगा डायरीज 3 का दूसरा और अंतिम भाग। संजय गुप्ता पेश करते हैं पहचान, केस 5। लेखक सुदीप मेनन, अनुवाद अनुराग कुमार सिंह, चित्रांकन प्रदीप यादव, इंकिंग विनोद कुमार, इफेक्ट्स मोहन प्रभु, कैलीग्राफी नीलू नीरू और संपादक मनीष गुप्ता। अपराध और कानून के बीच आंख मिचौली का खेल चलता रहता है और इसमें अक्सर अपराध कानून से 2 कदम आगे रहता है, लेकिन वो ये भूल जाते हैं कि उन दोनों से ऊपर उनका बाप बैठा है जो उनसे 4 कदम आगे है। सीमा पार और दूसरे मुल्कों के हथियारों के सौदागर अपने काबिल एजेंटों को हमारे देश में भेजते हैं ताकि वो यहाँ की माफिया और टेररिस्ट संगठनों को घातक हथियार बेच सके। उनमें से एक एजेंट की मुझे हफ्तों से तलाश थी, जिसका नाम मैंने उसके एक खरीदार से पीट पीट कर निकलवाया था, लेकिन समस्या ये थी कि मेरे पास उसकी कोई पहचान नहीं थी। बस उसका नाम था जावेद। उस खरीदार की 8 उंगलियां तोड़ने के बाद उसने मुझे इस जगह का पता बताया जहां वो कथित जावेद छुपा था। शक की कोई गुंजाइश नहीं थी, अब मुझे बस उस तक पहुंचकर उसकी गर्दन तोड़नी थी, जैसे मैंने इस दरवाजे को तोड़ा। मगर मुझे बचा लो डोगा, मुझे इस आतंकवादी से बचा लो। साले झूठे, गिरगिट की तरह रंग बदल रहा है टोका। आतंकवादी मैं नहीं, ये है। मामला एकाएक काफ़ी दिलचस्प हो गया है। अपने अपने आई कार्ड दिखाओ। बलबीर और राजा, उनके आई कार्ड्स के अनुसार यही इनके नाम थे, और मैं तब यही कर पा रहा था कि उनमें से जावेद कौन है, और मैं तय नहीं कर पा रहा था कि उनमें से जावेद कौन है भी या नहीं। फिर मैंने वही रास्ता अपनाया जो मैं अक्सर ऐसी स्थिति में अपनाता हूँ, यानी डोगा वाला रास्ता। आईडी तो सही है, पर यह भी सही है कि मुझे जिसकी तलाश है वो तुम दोनों में से ही कोई एक है। अब बको तुम दोनों में से वो कौन है। ये है डोगा, ये है जावेद। कसम खिला लो किसी की भी, उड़ा दो साले को, झूठ बोल रहा है कमीने। डोगा मेरी बात का विश्वास करो, यही असली जावेद। असल में जावेद इसके कई नामों में से एक नाम है जो ये पुलिस से बचने के लिए यूज़ करता रहता है। मैं तुमको सब बताता हूँ इसके बारे में। राजेश उर्फ राजा, चैम्बूर के शेट्टी गैंग का थिंक टैंक। शेट्टी का सारा बिजनेस यही संभालता था। 2009 में राजा ने आसिफ खान और उसके भाइयों को दिन दहाड़े गोली से उड़ा दिया। इस घटना ने इसको अंडरवर्ल्ड का एक जाना पहचाना नाम बना दिया और लोग दहशत और इज्जत के कारण इसे राजा भाई के नाम से पुकारने लगे। फिर इसने शेट्टी को मारकर शेट्टी गैंग को टेक ओवर कर लिया और मुंबई अंडरवर्ल्ड का बेताज बादशाह बन गया। ISI एजेंट अशरफ अली, जो मुंबई को 26/11 जैसी आतंकी कार्रवाई से फिर से दहलाना चाहता था, इससे मिला। दोनों के बीच व्यापारिक साठगांठ हो गई। अब यह जावेद के नाम से इंडिया में ISI का सबसे बड़ा एजेंट था। आज रात यह बड़ी मात्रा में हथियारों की खेप बेचने वाला था। साले अपनी कहानी मेरे नाम से सुना रहा है। ये तेरी कहानी है साले, वरना पता तू यहाँ क्या भजिया तलने के लिए मौजूद है। तू यहाँ क्यों मौजूद है बलबीर? मैं तो यहाँ से हथियार खरीदने आया था। मेरा पॉन DVD बेचने का धंधा है डोगा। मैं 15 साल का था तब से एडल्ट मूवीज़ की DVDs बेचने का धंधा करता था। जब थोड़ा बड़ा हुआ तो उम्र के साथ धंधा भी बढ़ गया। अब मैं यंग कपल्स के MMS बनाकर बेचने लगा। मेरे हुनर के चर्चे गर्ल सप्लाई रैकेट वालों के कानों तक भी जा पहुँचे। वो लोग पॉलिटिशियन और बिजनेसमैन की पार्टी के लिए लड़कियों का इंतज़ाम करते थे। उन लोगों ने मुझे अपना रैकेट ज्वाइन करने का ऑफ़र दिया। मोटी कमाई थी इसलिए मैं मना नहीं कर पाया, मगर मुझे बाद में पता चला कि उनके तार आतंकवादियों से जुड़े हैं। मैं बुरा इंसान ज़रूर हूँ, पर देशद्रोही नहीं। इसलिए मैंने उनका सफाया करने की ठान ली, जिसके लिए मैं इससे हथियार खरीदने आया। डोगा मैं कोई आर्म्स डीलर नहीं हूँ, मैं तो खुद यहाँ हथियार खरीदने आया हूँ। वाह साले, तुझे तो बॉलीवुड में होना चाहिए। डोगा इसकी बात का यकीन मत करना। ये ब्रीफकेस किसका है? मेरा, मेरा। अब तुम्हारे भाग्य का फैसला मैं नहीं करूँगा बल्कि ये ब्रीफकेस करेगा। अब इस बिल्डिंग से जिंदा बाहर वही जाएगा जिसका ये ब्रीफकेस होगा। ब्रीफकेस उसका होगा जो इसे मेरे पास लाएगा। तुम्हारा समय शुरू होता है अब। था मेरे इशारे के साथ दोनों पागल कुत्ते की तरह एक दूसरे पर टूट पड़े। था उनकी सारी शराफत, जिसका ढोल वो थोड़ी देर पहले पीट रहे थे, बकरे की खाल की तरह अलग हो गई। अब वो नंगे थे, जंगली थे, किसी जंगली जानवर की तरह। था और मैं इस जंगलीपन का पूरा मजा ले रहा था। खाचा! मैं जीत गया डोगा। देखो
मेरा ब्रीफकेस मेरे पास है। खोल के देखा, मेरा दिल कर रहा था मैं जोर जोर से ठहाके मारूं। ब्रीफकेस ने बलबीर के झूठ की कलाई खोल दी थी। नंबर लॉक उससे कैसे खुलता, क्योंकि ब्रीफकेस उसका था ही नहीं। नहीं डोगा, मुझे मत मारो। तुझे तो मरना ही होगा जावेद, तेरी तलाश में तो मैं यहाँ आया था, और तूने भी आते ही अपनी पहचान मेरे सामने खोल दी थी, मेरा बिना बताए अपना नाम लेकर। गोली तो मैं तुझे तभी मार देता, पर मैं तुम दोनों की असलियत जानना चाह रहा था। जिंग, दूध का धुला, ये भी नहीं निकला। मरना तो दोनों को ही था मेरे हाथों से, थोड़ा आगे थोड़ा पीछे। जिंग, केस क्लोज्ड। अगर कोई मुझसे पूछे कि मैं गुनाहगारों को सज़ा देते वक्त इतना बेरहम को हो जाता हूँ, तो मेरा जवाब यही होता है कि मुझे मज़ा आता है, ठीक वैसे ही जैसे मासूमों पर जुर्म करते हुए इनको आता है। बता वरना बहुत बुरी बात मारूंगा। था, अगर बता दूंगा तो भी तू मुझे मारेगा, और ना बताया तो भी, इसलिए भाड़ में जा। संजय गुप्ता पेश करते हैं एक्सट्रीम जस्टिस केस 6। लेखक सुदीप मैनन, चित्रांकन व इंकिंग ईशांत त्रिवेदी, इफेक्ट्स ईशांत त्रिवेदी, अनुवाद अनुराग कुमार सिंह, कैलीग्राफी नीरू, संपादक मनीष गुप्ता। मरना तो तुझे है ही कमीने, पर अगर तू अपनी मौत को और ज़्यादा दर्दनाक बनाना चाहता है तो ऐसा ही सही। नहीं प्लीज़ ऐसा मत करो, अपना मुंह तो इसको खोलना ही पड़ेगा। मेरे पास तरीके ही इतने इंटरेस्टिंग हैं, इससे भी बुरा करूँगा। नहीं रुक जाओ, मैं सब बताता हूँ। बक, याकूब कोलाबा की महालक्ष्मी मिल के पास अपने गिरोह के कुछ साथियों से मिलने की योजना बना रहा है। मैं बस इतना ही जानता हूँ, पहले क्यों नहीं बताया बेवकूफ़। था, जा अब तू आज़ाद है। क्या सच में? प्लाम, हाँ सच में। एडा, याकूब खान, लोग उसे एडा कहकर बुलाते हैं क्योंकि वो अपने शिकार को मारने से पहले बुरी तरह तड़पाता है, और मुझे भी उसे मारने से पहले ठीक उसी तरह तड़पाना है जिस तरह उस हैवान ने सेंट्रल बैंक में दरिंदगी दिखाई कुछ दिन पहले। प्लाम, गार्ड समझ भी नहीं पाया कि उसके साथ क्या हुआ और उसके बच्चे अनाथ हो गए। प्लाम प्लाम, वो लोग धड़धड़ाते हुए अंदर दाखिल हुए, उनको देख भीड़ के प्राण गले में अटक गए। मैनेजर कोई खून खराबा नहीं चाहता था, क्योंकि उसको यही सिखाया गया था कि ग्राहक की जान ज़्यादा कीमती है। मैनेजर ने चुपचाप वॉल्ट का सारा पैसा बैग में भर दिया, बात यहीं तक ख़त्म हो जाती तो ठीक था, पर ऐसा हुआ नहीं। याकूब एक ड्रग एडिक्ट था, वो किसी टाइम बम की तरह था जो कभी भी फट सकता था। याकूब को चाकू का इस्तेमाल करना पसंद था, उसने 8 साल की उम्र में अपनी माँ को चाकू से गोद गोद कर मार डाला था, वो उसका पहला खून था। याकूब जंगल की आग की तरह खतरनाक था, जो कुछ उसके रास्ते में आता जलकर खाक हो जाता। उस दिन एक माँ ने अपने बच्चे को खोया, उस दिन वांटेड मुजरिमों की लिस्ट में एक नया नाम जुड़ गया, याकूब खान, एक वहशी दरिंदा। याकूब खान चला गया, लेकिन अपने पीछे छोड़ गया एक मासूम मृत बच्चा जिसने ज़िंदगी को ठीक से देखा तक नहीं था, जिसने अपनी माँ का ममतामयी स्पर्श ठीक से महसूस तक नहीं किया था। वो एक ऐसे दरिंदे के हाथों मारा गया जिसने अपनी माँ को बड़ी बेरहमी से मार डाला था। अखबारों में इस घटना को लेकर खूब बवाल हुआ, एक बच्चा एक पागल हत्यारे के पागलपन की भेंट चढ़ गया, एक माँ ने अपनी चीखों के सामने अपना बच्चा खोया, बुद्धिजीवियों ने पुलिस और प्रशासन की जमकर निंदा की। कुछ दिन बहस हुई और फिर सब भूल गए, मगर मैं थोड़ा अलग हूँ, मैं कुछ भी नहीं भूलता, कुछ भी नहीं। तर 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 तर, तो मैं चाकू बहुत पसंद है ना, ये लो, तुम्हारे पास यही एक मौका है अपनी जान बचाने का, मेरी लाश के ऊपर से गुजर जाओ। मुझे चाकू देकर बहुत बड़ी गलती की है तूने, काट के रख दूंगा मैं तुझे साले। था, आज मैं याकूब को दर्द का असली मतलब समझाऊंगा। था, आज मैं इस कमीने को उन मासूमों के दर्द का एहसास करवाऊंगा जो इसको हाथों मारे गए। था, आज की रात इंसाफ होगा, मेरा इंसाफ। था, टोगा का इंसाफ। मैं सरेंडर करता हूँ, मुझे मत मारो, एक मौका दो मुझे। उस मासूम बच्चे को जिसे तुमने मार डाला, उस गार्ड को जिसे तुमने गोली से उड़ा दिया, उनको दूसरा मौका नहीं मिला था। डोगा भी तुझे दूसरा मौका नहीं देगा, क्योंकि डोगा मौका नहीं मौत देता है। मेरे चाकू ने उसका गला रेत दिया था, उसकी आंखें भय से चौड़ी हो रही थी। खाच,
उसका गर्मा गर्म खून मेरे चाकू को नहला रहा था। मेरे अंदर का दरिंदा उस दरिंदे की तड़प देखकर खुश हो रहा था। आज उस मासूम की आत्मा को भी शांति मिली होगी। याकूब खान, केस नंबर 22, केस क्लोज्ड। संजय गुप्ता पेश करते हैं हैप्पी न्यू ईयर। लेखक सुदीप मेनन, चित्रांकन दिलदीप सिंह, अनुवाद अनुराग कुमार सिंह, कैलीग्राफी नीरू, इंकिंग विनोद कुमार, इफेक्ट्स मोहन प्रभु, संपादक मनीष गुप्ता। यह मेरी जिंदगी का एक जुदा पहलू, जहां ना तो मेरी बंदूकों के धमाके होते और ना होती है अपराधियों के खून से लथपथ लाशें। मेरी दूसरी दुनिया जहां। सूरज, तुम मेरी बात क्यों नहीं सुन रहे हो? बस मैं होता हूं और होती है मोनिका। इस बार तुम न्यू ईयर मेरे साथ सेलिब्रेट कर रहे हो। तुम जानती हो मोनिका, ये संभव नहीं है। दुनिया के प्रति जिसका नज़रिया आशाओं से भरपूर है, जिसमें डोगा के वजूद के लिए कोई जगह नहीं है। क्यों संभव नहीं है? क्या डोगा नए साल की खुशी मनाने में यकीन नहीं रखता? तुम ऐसा कह सकती हो। और जब वो मेरी आंखों में आंखें डालकर बात करती है, तब मेरे लिए उससे बहस करना मुश्किल हो जाता है। कोई बहस नहीं, तुम मेरे साथ चल रहे हो, ये फाइनल है। मगर कोई अगर मगर नहीं, मरीन लाइन में न्यू ईयर का काउंटडाउन शुरू हो चुका है, हम वहीं चलेंगे। ओके, तुम जीती। अपने चारों ओर देखो सूरज, नए साल के आगमन पर सब खुश और मस्त हैं, और तुम मुस्कुरा तक नहीं रहे हो। इन हंसते चेहरों के बीच कुछ ऐसे चेहरे भी होंगे जो सिर्फ इसलिए मुस्कुरा नहीं पाएंगे क्योंकि उनकी मदद के लिए डोगा मौजूद नहीं होगा। आज इतना तो उनको मैनेज करना होगा क्योंकि आज डोगा अपनी गर्लफ्रेंड के साथ व्यस्त है। वैसे भी मुंबई को डोगा को अपनी आदत नहीं बनाना चाहिए। डोगा मुंबई की आदत नहीं, ज़रूरत है। नहीं, मुंबई की ज़रूरत विश्वास और कानून है। कानून मैं ही हूँ। उफ, क्रंच। तुम ठीक हो? हाँ ठीक हूँ। इट्स ओके सूरज, बच्चे थे वो। बच्चे, और वो मुसीबत है जिससे मैं ही निपट सकता हूँ। प्लीज़ सूरज, मैं तुम्हारे साथ वक्त गुजारना चाहती हूँ, उस शख्स के साथ नहीं जो नकाब के पीछे अपना चेहरा छुपाता हो। इसे कैसे समझाऊँ? असली चेहरा डोगा है, नकाब तो सूरज है। देखो क्या शानदार नज़ारा है, उस पर यह मधुर संगीत की लहर दिल को झूमने पर मजबूर कर रही है। जब ये मेरे साथ होती है तो मैं जैसे सब कुछ भूल जाता हूँ। बारूद के धमाके, मांस के उड़ते लोथड़े, दर्द के वो सारे एहसास, सब कुछ भूल जाता हूँ। मैं भूल जाता हूँ कि मैं कौन हूँ। मैं भूल जाता हूँ कि मैं डोगा हूँ। मैं कुछ खाने के लिए लाता हूँ, यहीं रुकना। अबे ये क्या भजन लगा रखा है? अबे सालो, आइटम सॉन्ग बजाओ, आइटम सॉन्ग। हे, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? दूरट साले, ये क्या बदतमीजी है? वाह, आइटम तो यहाँ खड़ी और हम आइटम सॉन्ग ढूंढ रहे थे। क्या नाम है तुम्हारा डार्लिंग? शीला, मुन्नी या रजिया? ये क्या कर रहे हो तुम? डांस पे भी डांस। छोड़ो मुझे। हे, छोड़ो उनको वरना हम पुलिस को बुलाएंगे। ओहो, हीरोगिरी की खुजली। क्लैक, ये क्या कर रहे हो तुम लोग? उफ, अभी मिटाते हैं सालों की खुजली। टिशू टिशू। तू उनकी चिंता छोड़ आइटम, तुझे तो अभी हमारे लिए डांस करना है। उफ यू बास्टर्ड। डांस तो तुमसे मैं करवाऊंगा, वो भी ब्रेक डांस, और ऐसा ब्रेक डांस करवाऊंगा कि एक हड्डी ब्रेक होगी। ये गई कूले की हड्डी और ये गई सड़े हुए दिमाग की हड्डी। तुम जैसे लोगों ने शहर को असुरक्षित बनाया हुआ है। इधर ला कैमरा। अरे ये क्या कर रहे हो? मैं जर्नलिस्ट हूँ। तुम सभी बतौर जिम्मेदार नागरिक असफल रहे। यहाँ कोई नौटंकी नहीं चल रही थी जिसकी तुम फोटो उतार रहे थे। तुम पुलिस को भी कॉल कर सकते थे। क्लाक। किसी मजबूर का तमाशा देखने का किसी को भी नहीं है। तुम सबसे बेहतर तो कुत्ते होते जो पत्थर खाने के बाद भी असामाजिक तत्वों के खिलाफ भौंकना नहीं छोड़ते। तुम सब तो कुत्ते से भी गाय बीते हो। थू है तुम लोगों पर। मगर याद रहे, ये मेरा शहर है और मुझे अपने शहर में ना गंदगी पसंद है और ना ही गंदगी पसंद लोग। हमेशा की तरह तुम सही थे। मैंने सोचा था आज के दिन तो कम से कम हर कोई खुश होगा, आज किसी को डोगा की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पर उपद्रवी लोग हर जगह और हर माहौल में मिल जाते हैं मोनिका। इनको सुधारा नहीं जा सकता, बस सबक सिखाया जा सकता है, और उसके लिए मेरी मौजूदगी ज़रूरी है। इस समय मैं उस शख्स को देख रही हूँ जिससे मैं प्यार करती हूँ, या उसे जिसे मैं नफरत करती हूँ। सूरज, बस एक आवरण है, तुम अंदर से डोगा ही हो। नहीं, तुम्हारे लिए मैं तुम्हारा सूरज ही हूँ।
मगर मुंबई के लिए मैं हमेशा डोगा रहूंगा। हैप्पी न्यू ईयर मुंबई, केस क्लोज्ड। संजय गुप्ता पेश करते हैं आसान शिकार केस 8। पुलिस और मेरे बीच चूहे बिल्ली का खेल हमेशा से चलता रहा है, जिसमें बिल्ली हमेशा मैं हुआ करता था, जिसके गले में घंटी बांधने की कोशिशें होती रहती थी। पर लगता है कि आज का दिन चूहों का है, छपाक, क्योंकि आज डोगा उनके लिए एक आसान शिकार बन गया है, एक औरत के कारण। आज डोगा के अंदर का लावा भी उसके भागते कदमों को ऊष्मा नहीं दे पा रहा है। छुप छुप छुप, चारों तरफ ढूंढो, यहीं कहीं होगा वो। आज डोगा के हाथ होश के धरातल पर अपनी पकड़ नहीं बना पा रहे हैं। इन्हें मजबूती देने वाला लहू एक औरत ने बहा दिया है। मैं भयानक भूल कर बैठा, मैंने कैसे उसे नज़रअंदाज कर दिया। मैं ये कैसे मान बैठा कि कोई औरत घात नहीं कर सकती। कर सकती है, औरत भी घात कर सकती है, अगर प्रश्न उसके सुहाग का हो तो। मुझे अब ये बात अपने जहन में बैठानी होगी कि औरत से भी सावधान रहना है हर पल। मेरे असहाय हाथ को किस मजबूत हाथ ने थाम लिया, मगर यह हाथ मदद के लिए उठे हैं या गला दबाने के लिए, यह तय कर पाना मुश्किल लग रहा है। हजारों दुश्मन हैं डोगा के, जिन्हें ऐसे ही मौक़ों की तलाश है। सावधान डोगा, ये भी एक औरत है। तुम मुझे कहाँ ले आई? मुंह बंद रखो, तुम यहाँ सुरक्षित हो। तुम कौन हो? मैं एक लोहारन हूँ, तुम्हारी गोली निकालनी होगी वरना जहर पूरे शरीर में फैल जाएगा। इससे पहले किसकी गोली निकाली है? जान जाओगे। कुछ ना कुछ बोलते रहो, अपने होश मत खोने देना, दर्द बहुत ज़्यादा होगा। मुझे आदत है। ये दर्द ही तो है जो नासूर बनकर डोगा के वजूद से चिपका हुआ है, जो हमेशा मुझे ये प्रेरणा देता है कि वो दर्द मैं सूद समेट चुका हूँ। टिशू, शालिनी मर्डर केस में कोर्ट से तू तो छूट गया आदित्य भारद्वाज, लेकिन डोगा की अदालत में अभी तेरा इंसाफ बाकी है। तुम कोर्ट के आदेश की अवहेलना कर रहे हो डोगा। था तेरे जैसे कमीने बाप के पैसों से इंसाफ को कौड़ियों के भाव में खरीद लेते हैं। मुझे जज मधुसूदन की अदालत में बाइज्जत बरी किया गया है। बाइज्जत ही बरी किए जाओगे तुम, अदालत में ही, डोगा की अदालत में। भला कौन है यह? क्या बदतमीजी है डोगा? इस कमीने ने भरी महफिल में 364 नामर्दों के बीच बारगर शालिनी को सरेआम गोली मार दी, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने इसे ड्रिंक सर्व नहीं की। और आज ही कमीना तुम्हारी अदालत से बाइज्जत बरी हो गया, क्योंकि किसी ने इसे शालिनी को शूट करते नहीं देखा। सारे गवाह अपनी गवाही से मुकर गए बिना किसी ठोस सबूत या गवाह के। इसको कैसे सजा दे सकता था मैं? सच है, बिना सबूत या गवाह के तू इतनी बड़ी हस्ती के बेटे को सजा नहीं दे सकता था। तलाक। लेकिन डोगा का न्याय ना तो अंधा है और ना सबूतों ना या गवाहों का मोहताज। डोगा करता है इंस्टेंट जस्टिस। नहीं डोगा, मुझे मत मारना, मैं अपना गुनाह कबूल करता हूँ। मैंने ही शालिनी को गोली मारी थी। मुझे बचाने के लिए मेरे बाप कुलभूषण भारद्वाज ने सारे गवाहों को खरीद लिया था। केस कमज़ोर करने के लिए सरकारी वकील पाटिल और जांच कर रहे इंस्पेक्टर ब्रजमोहन को करोड़ों रुपए दिए और इस जज को भी खरीद लिया। सुन लिया मधुसूदन, मुजरिम ने अपना जुर्म कबूल कर लिया है। डोगा की अदालत इसे सजाए मौत दे रही है। चिंग आ! इसका इंसाफ तो हो गया, अब तेरी बारी है मधुसूदन। डोगा के इंसाफ के चाबुक से कोई नहीं बच पाया है। चिंग 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 चिंग, मेरे रहते तू मेरे सुहाग का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा डोगा। वारी पतिव्रता नारी, पति के पाप को छुपाने के लिए इंसाफ का खून कर दिया, पर फिर भी तू अपना सुहाग बचा नहीं पाएगी। चिंग, ये निकल गई आखिरी भी, अब मैं इसकी पट्टी कर देती हूँ। तुमने नर्सिंग का कोर्स किया है क्या? नहीं, फिर तुमने इतनी आसानी से मेरी गोली कैसे निकाल दी? क्योंकि मैं ये काम पहले भी कई बार कर चुकी हूँ। मैंने पट्टी कर दिया पर जख्म अभी ताजा है, तो मैं थोड़ा आराम। कोई अंदर है क्या? बाहर आओ। थार थार, कान में तेल डाल के सो रही थी क्या? दरवाज़ा क्यों नहीं खोल रही थी हरामखोर? ए तमीज़ से बात कर, तेरा थाना नहीं है ये। कमीनी, हमें तमीज़ सिखा रही है, बब्बन की बीवी है ना तू? साली रस्सी जल गई, बल नहीं गया। आह, अपनी माँ से भी ऐसी बात करता है क्या साले? साली माँ पर जाती है। ए इसको देखा है? रहने तो साहब, गोबर की ढेरी है, पत्थर मारोगे तो खुद पे चीटे पड़ेंगे। हाँ देखा है ना, यहीं है अंदर। आवाज़ देकर बाहर बुलाऊं? पैंट गीली हो जाएगी उसको देखकर। कमीनी, पुलिस से मजाक करती है, अगर जल्दी में ना होता तो मज़ा चखा देता। तलाक। सबके जाने के बाद उन लोगों ने तुम्हारे साथ बहुत बदसलूकी की, मुझे आदत है। जब बच्ची थी तो बापू करता था। साली हराम की औलाद, ला पैसे इधर ला। नहीं, ये मेरी माँ के इलाज के लिए।
जब बड़ी हुई तो मेरा खसम बब्बन करने लगा, कमीनी पैसे छुपा कर रखती है, ला इधर ला। वो रोज़ जुए में पैसे हार जाता और उसकी खुन्नस मुझे पीट कर निकालता। गलत संगत में पड़कर वो चोरी लूटपाट अपहरण सब करने लगा। इस काम में अक्सर उसको गोलियां लग जाती थीं, तब मुझे वो गोलियां निकालनी पड़ती थीं। मगर एक दिन जब वो मेरे सामने आया तो मैं उसकी गोलियां नहीं निकाल पाई, क्योंकि वो तुम्हारी गोलियों का निशाना बना था। मैं तुम्हारे पति का कातिल हूँ, फिर तुमने मुझे क्यों बचाया? तुम एक मुजरिम के कातिल थे, इसलिए मैंने तुम्हें बचाया। तुमने मुझे वो बनाया जो मैं हमेशा बनना चाहती थी, आज़ाद, बेखौफ और स्वाभिमानी। डोगा लौट पड़ा। एक रात में औरत के दो अलग अलग रूप देखने को मिले। एक तरफ वो पढ़ी लिखी जज मधुसूदन की बीवी और दूसरी तरफ यह अनपढ़ और जाहिल गरीब लोहारन। कितना फ़र्क है दोनों में। दोनों के ही पति कसूरवार थे और वो डोगा की गोली का निशाना बने, मगर एक ने अपने सुहाग की जान के लिए इंसाफ को ताक पर रख दिया रख कर मेरी जान लेने की कोशिश की, और दूसरी ने मेरी जान बचाई। केस क्लोज्ड। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं डोगा की लेटेस्ट सीरीज़ डोगा डायरीज 5 में अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद। डोगा मौजूद है डोगा डायरीज 5 नेक्स्ट ऑन कॉमिक वर्ल्ड।